बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठ रही है। इस पर बीजेपी जेडीयू की अलग अलग राय है। एक तरफ जहां जेडीयू नेता स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसके पक्ष में नहीं है। जेडीयू नेता और मंत्री शरण कुमार ने कहा कि बिहार पिछड़ा है, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ झंझारपुर से जेडीयू के लोकसभा सांसद रामप्रीत मंडल ने इस मुद्दे पर सभी सांसदों और नेताओं से एकजुट होने की अपील की है। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी नेता और मंत्री प्रमोद कुमार विशेष राज्य को लेकर किए गए सवाल को टाल गए और कहा कि यह मामला पीएम और सीएम का है। तो कोई तरीका कोई ढूंढना पड़ेगा, जिसके लिए सदन के दोनों सदनों ने, बिहार के दोनों सदनों ने, विधानमंडल के दोनों सदनों ने सब सम्मत पारित करके भारत सरकार से अनुरोध किया है। और ये मामला हमारा पुराना है, इस पर भारत सरकार को विचार करना चाहिए। जब पिछड़े राज्य हैं तो उनको विशेष अवसर मिलना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। जब तक आय नहीं होगी, विशेष दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक ये सफलता हम लोग को नहीं मिल सकती है। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा और उनके जो भी सहयोगी मंत्री हैं, कम से कम बिहार में आप एनडीए सरकार हमारे साथ हैं। जब हमारे आप सरकार में साथ हैं तो हमको दुख सुख में भी साथ होइए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने विशेष पैकेज योजना दिया और अभी जो बिहार में बहुत सारी जो बड़ी बड़ी परियोजनाएँ चल रही है, वही विशेष पैकेज योजना के हो, चाहे टूरिज्म विभाग देखिए, चाहे हमारे लॉ विभाग में भी बड़ा बड़ा इमारत बन रहा है, उसमें भी भारत सरकार और राज्य सरकार का कोलैबोरेशन है। जो भी स्वास्थ्य विभाग का भी मुफ्त में टीका देखिए, भारतीय सरकार का देन है। स्वास्थ्य परियोजना मेडिकल कॉलेज जो खुल रहे हैं उसमें भी भारत सरकार का सहयोग है। तो डबल इंजन की जो सरकार होती है तो दोनों के कोलैबोरेशन से चलता है। सरकार संवैधानिक पोस्ट है, भारत सरकार राज्य सरकार जो है ये दोनों के एक नीतिगत निर्णय अनुसार राज्य के डेवलपमेंट समेकित विकास हो रहा है।